स्वागत है, मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। हम अयोध्या में मौजूद है और ये बहुत ही फेमस चौराहा है। भैया आप इसलिए नहीं दिखा सकते हैं चौराहे को क्योंकि यहाँ पर एक विचित्र जो है गाड़ी आपको सामने नजर आ रही है और बड़ी दिलचस्प ये गाड़ी है। ये साइकिल है, साइकिल पर इस वक्त सवार है योगी आदित्यनाथ सीएम है और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हाथ में थाली है। आपका नाम क्या है प्रभु? मेरा नाम रतन रंजन हुआ। एक सेकंड रुकिए, हाँ बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रतन रंजन हुआ। अच्छा रतन रंजन कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं और ये सब क्या है भाई? प्रभु श्री राम 9 तारीख को मध्यरात्रि मेरे सपने में आए थे। हाँ। और उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर मंदिर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो साक्षात पृथ्वी पर योगी जी और मोदी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। हाँ। तीसरी बार मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये संदेश पहुंचा देना, सारे सनातनियों को पहुंचा देना, सारे हिंदू के धर्म के विश्वास रखने वाले मेरे भक्तों तक पहुंचा देना। हाँ। और 10 तारीख को मैं साइकिल से दिल्ली से अयोध्या पहुंच गया ये संदेश देते हुए। कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? 8 दिन हो गए आज। 8 दिन और आने में कितने टाइम लगा आपको यहाँ? 700 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से अयोध्या की। हाँ। और जिस गांव में मैं पहली रात रुका था उसी गांव में लोग आए, बड़े बुजुर्ग माता बहने और मोदी जी और योगी जी की पूजा अर्चना उन्होंने शुरू कर दी और ये थाल और पूजा की सामग्री गाँव वाले ने दिया। मोदी जी और योगी जी देवतुल है, देव पुरुष है, विकास पुरुष है और उनके नेतृत्व में राष्ट्र का विकास होगा, सनातन का परचम पूरे विश्व। तो आप करते क्या है? आप सारा दिन बस आरती उतारते हैं? मैं मोदी जी और योगी जी के विचारों की पूजा करता हूँ, इनके योगदानों की पूजा करता हूँ, जिस तरह से इन्होंने। फिर बताइए आपका नाम क्या है? रतन रंजन। अच्छा रतन रंजन को आप मोदी भक्त कह सकते हैं? जी कह सकता हूँ। जी कह सकता हूँ। सबसे बड़े मोदी भक्त कह सकते हैं? सबसे बड़े मोदी भक्त। जय जय। सबसे बड़े मोदी और योगी भक्त कह सकते हैं? और हमारे पूर्वजों ने आज का माहौल इतना राममय हो गया पूरा। पर यहाँ तो राम की भक्ति की बात चल रही है। जी हा? तो राम की भक्ति तो नहीं, तो उन्हें जो लगाया तो राम भक्त भी है, जो राम भक्त है वो मोदी भक्त भी है, एक ही सिक्के लोग भी तो राम भक्ति है। आप इन्हीं के द्वारा हमारे आज अगर मोदी जी योगी जी अगर ना होते तो हमारे राम का जो नाम है वो पूरे विश्व में जाना नहीं जाता। इन्हीं के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए योगी और मोदी इस देश के लिए जरूरी है। अच्छा आप हमारे साथ यहाँ पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य शरीश तिवारी। हाँ आचार्य तिवारी जी, अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर तो विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा है कि आपने इस पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक बना दिया है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। ये राजनीतिक बातें नहीं है, या धर्मनीतिक की बात है। प्रभु श्री राम कणकण में वास करते हैं, रग रग में वास करते हैं, हर धरा में वास करते हैं और पूरी दुनिया में आप में है राम, हम में है राम, सब में है राम। और निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम को आज इस स्थिति में लेकर के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आदि पुरुष हैं, निश्चित तौर पर महापुरुष हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। और जिस प्रकार आप देखिएगा, लेकिन 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 ये कहना है कि ये जो मंदिर बनाने का फैसला है ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है ना भाई? नहीं, इसका प्रयास देखिए मैडम, इसका प्रयास पैरवी से, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था कांग्रेस की सरकार की तब भी, लेकिन इस सरकार ने पैरवी की, मोदी योगी ने पैरवी की तो राम मंदिर बन पाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ ना? जी हाँ जी। लेकिन मैडम जो काम मोदी जी ने किया है वो काम पहले किसी सरकार ने नहीं किया, वो मोदी जी क्या पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, प्रयास नहीं किया था? मोदी जी योगी जी जब आए तो हिंदुत्व जाग गया, आज हिंदुत्व जागा है तो सब लोग के मनोबल के हिसाब से आज प्रयास शुरू हुआ है और मोदी जी है, योगी जी है, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा आचार्य तिवारी, आचार्य तिवारी कुछ कहना चाह रहे, एक बार सुन लेते हैं। देखिए देश में इससे नरेंद्र मोदी से भी पहले 15 प्रधानमंत्री हुए, किसी ने अयोध्या आने की कोशिश नहीं की। कोई जाता था अजमेर शरीफ, वहाँ जाके चादर चढ़ाता था। और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे युग पुरुष प्रधानमंत्री भारत में हुए जो केवल। अच्छा अच्छा रवि सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त धर्मपद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रवि इस वक्त वहाँ किस तरीके का माहौल है, क्योंकि यहाँ लता चौक, जिसे मशहूर लता चौक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक मेरे पीछे वो वीणा बड़ी सी आपको नजर आ रही होगी, लोग यहाँ पर बस सुबह से लेकर रात तक राम धुन में रमे नजर आ रहे हैं। रवि वहाँ का क्या आलम है इस वक्त?
रूबिका बिल्कुल, क्योंकि धर्म पथ का जो ये मार्ग है वो बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर ही जाकर जुड़ता है। और इसमें यहाँ कर सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा और इसके बाद कुछ लोगों को कलर दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जोश लूंगा। एक बार कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएं कि इस समय धर्म पथ की ये तस्वीरें कि किस तरीके से इसको सजाया जा रहा लगातार, क्योंकि 22 तारीख सिर्फ एक दिन का, मात्र एक दिन का वक्त है और उससे पहले पूरी की पूरी अयोध्या उसके सजावट में, उसकी खूबसूरती में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर तमाम ऐसे जो साइकिलिस्ट हैं या मोटरसाइकिल से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। ये बताए आप साइकिल से हैं, मोटरसाइकिल से? साइकिल से। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से कितना टाइम लग गया? मुझे यहाँ पर आने में 10-11 दिन लगा। कि 22 तारीख को भी रहोगे यहाँ पे? हाँ, 22 तारीख के बाद में रहेंगे, जब तक रामलला के दर्शन साथ में, जब तक रामलला के दर्शन ना हो जाए तब तक यहीं पे रहेंगे। और मैं साथ में ये जो पूरा सजावट की गई है, कौन कौन है इसके साथ में? आप कहाँ से? हाँ, आप कहाँ से? बरेली से। बरेली से करीब 700 किलोमीटर होगा? करीब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। कितना दिन लगा आपको? दो दिन लगे। और कोई भी है साथ में? नहीं, मैं अकेले आया था बरेली। अच्छा, से हम तो लोग यहाँ पे आके साथ। मंदिर के दर्शन हो पाएगी कि नहीं? मंदिर पे हमने 5 बार दर्शन किया जाके। अच्छा, 3 दिन। 22 तारीख को तो इन्विटेशन को दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे 23 तारीख को। अच्छा, आप बताएं क्या कहाँ से सर? हम अयोध्या से हैं। हमारा नाम यही आलम। इस वक्त हर कोने में अयोध्या के नजर आ रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु राम के दर्शन इस बार कर लिए हैं? अरे ध्यान से करने हैं भव्य मंदिर का दर्शन जो होगा। हो गया दर्शन हो गया आपके? देवी जी का दर्शन हो गया। एक भजन सुनाना चाहती है, जल्दी भजन। अच्छा, और कितने लोग हैं जो यहाँ पैदल आए हैं? है कोई ऐसा? नहीं है। अरे वाह, बड़े सुख में है, बहुत से लोग हैं। हाँ, लेकिन मैं जानना चाह रही थी, क्या नाम है आपका? हमारा ज्योति राठौर नाम है और हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं, अयोध्या वासी हैं आप? हाँ, बताइए क्या? अयोध्या के राजा ये भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा ये भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जय श्री राम सभी। हर कोई अपने अंदाज में यहाँ पर प्रभु राम की आराधना और सेवा करना चाहता है। कमाल हैदर। सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। अयोध्या में ही रहते हैं? तो यहाँ क्या करने आए हैं? काम से आए थे, आपको दिखा रूप है। अरे वाह, काम से आए थे आप? और क्या काम करते हैं आप? सिलाई का। सिलाई का? तो फिर हमारे लिए भी कुछ कपड़े सिल दीजिए। प्रभु राम के अर्चना में, आराधना में हम भी बढ़िया बढ़िया नए कपड़े सिलेंगे। बना देंगे। अच्छा, तो प्रभु राम के इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये पुनरुत्थान हो रहा है अयोध्या का, आप ऐसा देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदल गया। हाँ, तो बचपन यहीं पैदा हुआ, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, तो पहले कुछ और था, तो सब बन गया। और पहले कुछ और क्या था? सब ऐसे था, उल्टा सीधा सब। हाँ, पुराने लोग सब थे, पुराना सामान था सब, नई सलग नए सब बन गया सब।